हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। कंटीन्यूअस टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का यूज होता है प्लस भी फोर। पास्ट में वाज और वर का यूज होता है प्लस भी फोर। और फ्यूचर में विल बी, शैल बी का यूज होता है और उसके साथ भी फोर का यूज होता है। भी फोर मीन्स क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब यहाँ पे फिगर दिए गए हैं, इस फिगर को देख करके हमें यहाँ पे क्रिया को फिल करना है कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे एक बालक बना हुआ है जो कि कुछ खा रहा है, तो यहाँ पे हम खाने की क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ईटिंग, ई ए टी आई एन जी, ईटिंग। सेकंड फिगर में यहाँ पर कुछ बनाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कुकिंग लिखेंगे, सी डबल ओ के आई एन जी, कुकिंग। और तीसरे फिगर में बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखने का सेंस वॉच है, डब्ल्यू ए टी सी एच और इसमें आई एन जी जोड़ेंगे। इन तीनों सेंटेंस में क्रिया की चौथी फॉर्म हमें यूज करना है। सो यह एक्सरसाइज हमारा लेट्स बिगिन का कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन ईच ब्लैंक विद सुटेबल प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस फिल करना है सब्जेक्ट के अनुसार इज, आई एम और आर प्लस भी फोर। एक वचन कर्ता के साथ इसका यूज करेंगे, आई के साथ आई एम का यूज करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ आर का यूज करेंगे, उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे जिसको हम भी फोर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे दे है, दे हमारा एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर, ए आर ई, और गो में लिखेंगे गोइंग, दे आर गोइंग। अब यहाँ पे डक्स लिखा गया है जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पर भी हम आर लिखेंगे, ए आर ई आर। और स्विमिंग, स्विमिंग को हम यहाँ फिल करेंगे, इसलिए स्विमिंग को लिखते समय यम को डबल करेंगे, यस डब्लू आई डबल यम आई एन जी, स्विमिंग, इसको हम यहाँ फिल करेंगे। तीसरा सेंटेंस है मोनालिसा। अब यहाँ पे परफॉर्म है, तो पहले यहाँ पे मोनालिसा सिंगुलर है, इज, इसको लिखने के बाद परफॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, यहाँ पर परफॉर्मिंग हो जाएगा और इसको यहाँ पर फिल कर देंगे। दिस सेंटेंस यहाँ पे द चिल्ड्रेन या एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी आर का यूज़ करेंगे, उसके बाद प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लेइंग, और इस वर्ड को हम यहाँ फिल करेंगे। द टीचर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी हम इज का यूज़ करेंगे, स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, स्कोल्डिंग, आई एन जी लगाएंगे, स्कोल्डिंग हो जाएगा और इसको यहाँ पर फिल करेंगे। अगला सेंटेंस है सीमा। सीमा भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो यूज ऑफ इज प्रैक्टिस है यहाँ पर, इसमें भी हम आई एन जी जोड़ेंगे, आई एन जी जोड़ते समय ई को हटा देंगे, उसके बाद आई एन जी लिखेंगे, क्योंकि जिस क्रिया में लास्ट में वावेल ई होता है उसमें आईएनजी जोड़ते समय ई को समाप्त कर दिया जाता है, इसको लिखेंगे प्रैक्टिसिंग और यहाँ पे फिल करेंगे। लास्ट यहाँ पे माय आंट, ये सिंगुलर है, इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे नीटिंग, नीटिंग में होता बुनना, तो यहाँ पे टी है, तो यहाँ पर हम डबल टी करेंगे, पहले जैसे स्विम में किया गया था डबल एम, वैसे यहाँ पर भी टी को हम डबल करेंगे, उसके बाद आईएनजी। नीटिंग आ स्वेटर फॉर माय लिटिल सिस्टर।
सेकेंड एक्सरसाइज, राइट डाउन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. यूज कॉन्ट्रैक्शन वेयर पॉसिबल. इन सम सेंटेंसेस बिसाइड अ वर्ब अ फ्यू एडिशनल वर्ड्स आर गिवन टू हेल्प यू. यहाँ पे हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर्ब का यूज़ करते हैं, और इनके साथ भी फोर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूअस में भी फोर का यूज़ किया जाता है. तो पहला सेंटेंस है, आई कुक लंच व्हेन ही केम होम. तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाज कुकिंग. वाज आई के साथ वाज का यूज़ करेंगे, उसके बाद कुकिंग सी डबल ओ के आई जी कुकिंग. आई वाज कुकिंग लंच व्हेन आई ही केम होम. मैं लंच बना रहा था व्हेन ही केम होम, जब वह घर आया. सेकेंड यहाँ पे वाइल ही है, तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग वाज लिखेंगे, वाइल ही वाज. और यहाँ पे साइकिल है, साइकिलिंग हो जाएगा सी वाई सी एल आई एन जी. इसमें भी ई को हटा के आई एन जी एड करेंगे, इन हिज लान. उसके बाद यहाँ पे सी वाज आयरनिंग, वाज लिखेंगे, आयरन क्रिया यहाँ पे है, इसमें भी आई एन जी जोड़ेंगे, आई डबल आई आर ओ एन आई एन जी आयरनिंग द स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ अ डॉटर. तीसरा सेंटेंस है, बी ट्राई टू टेल हर द फैक्ट ऑफ द इंसिडेंट बट सी. तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वाज का यूज़ करेंगे. वाज का यूज़ करने के बाद, अब चूंकि सेंटेंस में नॉट भी हमें लगाना है, तो वाज का यूज़ करने के बाद हम नॉट लगाएंगे, और लिसन है तो लिसन में आई एन जी जोड़ेंगे, एल आई एस टी ई एन आई एन जी लिसनिंग टू एनी ऑफ अस. अगला सेंटेंस है, सुधीर स्लीप. तो यहाँ पे भी हम सुधीर सिंगुलर है, वाज लगाएंगे, और स्लीप में आई एन जी फॉर्म जोड़ेंगे, स्लीपिंग एट 4 PM. अगला सेंटेंस सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, क्रिया स्टडी है. तो यहाँ पे पहले हम वर लिखेंगे डब्ल्यू ई आर ई, उसके बाद कर्ता लिखेंगे यू, और यू को लिखने के बाद स्टडी में आई एन जी जोड़ेंगे, और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा. अगला सेंटेंस यहाँ पर है, ही भी सिंगुलर है, तो इसके साथ वाज स्टैंड स्टैंडिंग हो जाएगा, स्टैंडिंग एस टी ए एन डी आई एन जी स्टैंडिंग. नेक्स्ट सेंटेंस सी वाज लिखेंगे, यहाँ पे सेंटेंस हमारा नेगेटिव बनेगा क्योंकि नॉट भी दिया है. सी वाज नॉट प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग. अगला सेंटेंस यहाँ पे वाट, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, पहले वाज लिखेंगे करता, फिर यहाँ पे ही, डू का आई एन जी फॉर्म होता है डूइंग, वाट वाज ही डूइंग. नेक्स्ट हिज हेड वाज ब्लीडिंग, बी एल डबल ई डी आई एन जी ब्लीडिंग. नेक्स्ट ही वाज ड्राइव है, तो ड्राइविंग हो जाएगा, डी आर आई वी आई एन जी ड्राइविंग. लास्ट है आई के साथ वाज लिखेंगे टाइपिंग, टी वाई पी आई एन जी टाइपिंग. अ लेटर व्हेन ही रिक्वेस्टेड मी टू वाच द मैच ऑन टीवी. इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर सेकंड भी कंप्लीट हुआ. तीसरा एक्सरसाइज, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स. यूज आइदर द फ्यूचर कंटिन्यूअस और द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, व्हिच एवर इज एप्रोप्राइएट. इन सम सेंटेंसेस बिसाइड अ वर्ब वन आर टू मोर वर्ड्स आर गिवन टू हेल्प यू. यहाँ पे हमें सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस अथवा फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करना है. उसके बाद प्रत्येक सेंटेंस में क्रिया के अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा वर्ड दिए हैं, तो उनका भी हमें उचित स्थान पर यूज़ करना है. जैसे कि यहाँ पर है आई एम नॉट, यहाँ पे नॉट और गो दिया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले आई एम नॉट, आई एम
नॉट गो है तो इसको लिखेंगे गोइंग. आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर टू नाइट. उसके बाद यहाँ पे बी के अकॉर्डिंग आर लिखेंगे, बी आर स्टेइंग होम टू नाइट. नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आर गो का गोइंग, दे आर गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे बी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल, बी स्टडी एस टी यू डी वाई आई एन जी स्टडिंग. सी है यहाँ पे तो सी इज गिफ्टिंग हो जाएगा यहाँ पे. ये फ्यूचर टेंस ही बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक एडवर्ब आया है टुमारो, इसलिए इसको हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाया. सी इज गिफ्टिंग, यहाँ पर गिफ्टिंग हो जाएगा जी आई एफ टी आई एन जी गिफ्टिंग. अगला सेंटेंस है ही विल वाग नेगेटिव है नॉट वी, ही विल नॉट वी बियरिंग का बियर का वियरिंग हो जाएगा, इसमें भी आई एन जी जोड़ेंगे. हम आपको बताना चाहेंगे जितनी भी यहाँ पे क्रिया दी हैं सभी में हमको आई एन जी जोड़ना है, स्पेस कम होने के कारण वहाँ लिखने में समस्या आ रही है, इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जितनी भी क्रिया यहाँ पे दिए हैं क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूअस में हम लोग आई एन जी ऐड करते हैं. और आई एन जी जोड़ने का भी कुछ नियम है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जिस क्रिया में ई रहता है तो उसको हटा दिया जाता है आई एन जी जोड़ते समय. और कभी कभी कुछ ऐसे वर्ब आ जाते हैं जिसके अल्फ़ाबेट को डबल करते हैं, जैसे स्विम के बारे में हम लोग बात किए, निटिंग के बारे में बात किए. अब यहाँ पे हमको बनाना है एफ वाले को सेंटेंस को, तो यहाँ लिखेंगे विल बी, ही विल बी एक्सरसाइजिंग एट द जिम आफ्टर 20 मिनट्स. जी में यहाँ लिखेंगे कमिंग हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर कमिंग लिखेंगे. लास्ट में एच यहाँ पर है तो यहाँ लिखेंगे विल बी स्लीपिंग, यहाँ स्लीपिंग कर देंगे इसको और यह पेज हमारा कंप्लीट होगा. दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी सिट है तो यहाँ पे सिटिंग लिखेंगे इसको यस आई डबल टी आई एन जी सिटिंग, यहाँ पर भी हमें टी को डबल करना होगा, सिटिंग हो जाएगा और इसको यहाँ पर फिल करेंगे. लास्ट एट 9 बी विल बी वॉचिंग, तो यहाँ पे विल बी वॉचिंग डब्ल्यू ए टी सी एच आई एन जी वॉचिंग, और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. चौथा एक्सरसाइज हमारा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और हमें सभी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलना है, तो यहाँ पे हम जहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं इसको हटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम एम राइटिंग हो जाएगा, पूरा सेंटेंस हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिखेंगे राइट को हटा के एम राइटिंग. यहाँ पे वर्क है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे सिंगुलर है तो इज, उसके बाद वर्क का वर्किंग कर देंगे इसके स्थान पे. अब यहाँ पे बाई है तो बाई को हटाएंगे इसके स्थान पे लिखेंगे एम, क्योंकि आई करता है, बाई का बाइंग हो जाएगा. द गर्ल्स प्ले है तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लिखेंगे ए आर ई, आर प्ले का प्लेइंग कर देंगे. मेक्स है तो यहाँ पर भी माई आंट सिंगुलर है तो इज मेकिंग करेंगे. लिप्स है माई अंकल लिप्स इन कनाडा, तो यहाँ पर भी माई अंकल सिंगुलर है तो पहले इज करेंगे माई अंकल के बाद, उसके बाद लिप्स को लिविंग कर देंगे एल आई वी आई एन जी लिविंग. रवि वर्क्स हार्ड, ये वर्क्स हटाएंगे, रवि सिंगुलर है तो इज वर्किंग हो जाएगा. लास्ट स्पीक है तो स्पीक्स को हटा के यहाँ पर भी इज लिखेंगे स्पीकिंग कर देंगे. यहाँ पे हमने इज एम आर का यूज किया है क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर का यूज करते हैं, प्लस भी फोर का यूज करेंगे.
तो जहाँ पर भी हमने अंडरलाइन किया है इसको हटा करके हमें इस वर्ड को लिखना है और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पाँचवें की बात करेंगे। पाँचवें सेंटेंस में कुछ हिंट दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्ब हैं, इनको हमें 10 सेंटेंस में फिल करना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे कौन सा वर्ब फिल किया जाएगा। यहाँ पे कह रहा कंप्लीट द सेंटेंस विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहले हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है। तो यहाँ पे आई है तो आई के साथ हम आई एम लिखेंगे, और यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ वर्क है तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग। प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहें, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आई एम वर्किंग हो जाएगा। बी में है वेयर इज उमेश, उमेश कहाँ है, ही इज इन द किचन, वह रसोईया रसोई घर में है, ही इज रसोई में क्या होगा, कुक का कुकिंग करेंगे, ही इज कुकिंग। उसके बाद अगला सेंटेंस, यू आर स्टैंडिंग, You are standing on my foot. Look, देखो somebody के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे, स्विम यहाँ पर है, इन द रिवर है तो रिवर के लिए यहाँ पे स्विम फिट है, यहाँ लिखेंगे स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग। नेक्स्ट यहाँ पे ई है, वी आर हियर ऑन हॉलीडे, वी आर। उसके बाद क्रिया, यहाँ पे हम स्टेइंग ठहरना, रॉयल होटल में ठहरे हुए थे तो स्टेइंग का यूज़ करेंगे, STAYING, स्टेइंग। नेक्स्ट, वेयर इज रेनू, सी इज हैविंग, हैव का हैविंग करेंगे यहाँ पर। जी में दे के अकॉर्डिंग आर सिटी सेंटर थिएटर, यहाँ पे हम फिल करेंगे बिल्डिंग, BUILDING बिल्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आई के साथ एम लगाएंगे और यहाँ पर जाने का सेंस है तो यहाँ पे हम गोइंग लिखेंगे, आई एम गोइंग नाउ, अब हम जा रहे हैं, गुड बाय। द वेदर इज नाइस एट द मोमेंट, इट इज नॉट रेनिंग, अब चूंकि यहाँ पे क्रिया सहायक क्रिया दिया था, हमें मुख्य क्रिया भरना है, यहाँ पे रेन का रेनिंग करेंगे हम। और लास्ट भी ऐसी ही है, यहाँ पे भी करता है और एक क्रिया है और सेंटेंस नेगेटिव में है, तो यहाँ पर एक वर्ड हमारा बचा हुआ है वॉच, तो वॉच का लिखेंगे हम यहाँ पर वॉचिंग। अब यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, पांचवा एक्सरसाइज। अब छठवें की हम बात करें तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमको बनाना है सेंटेंस को, तो ही है, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिखेंगे वाज, ही वाज, पेंट है तो पेंटिंग कर देंगे, बहुत ही आसान वाज पेंटिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अब क्वेश्चन मार्क लगा है तो सेंटेंस हमें प्रश्नवाचक बनाना है, तो सबसे पहले हम कर्ता को देखेंगे, कर्ता यहाँ पे ही है, ठीक अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे वाज, उसके बाद ही, क्रिया यहाँ पे कट है तो कट का कटिंग करेंगे डबल टी करके, वाज ही कटिंग डाउन द ट्री ऑफ हिज लॉन यस्टरडे। सी है, सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वाज करेंगे, डील का डीलिंग हो जाएगा, DEAL आई डीलिंग। यहाँ पे बी है तो बी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर लिखेंगे, WER, ट्रेवलिंग, TRAVELING, ट्रेवलिंग। अब यहाँ पे कर्ता अनुराधा है तो यहाँ लिखेंगे पहले
वाज सेंटेंस में नॉट है, नॉट लिखेंगे, वाज नॉट। अब यहाँ पे क्रिया में आईएनजी फॉर्म दिया है तो रीडिंग को हम लिख लेंगे, ये राइट दिया है, अनुराधा वाज नॉट रीडिंग व्हेन द लाइट वेंट आउट। अगला सेंटेंस यहाँ पर भी प्रश्नवाचक है तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले वर्ब का यूज करेंगे, फिर कर्ता यहाँ पे है दे, क्रिया यहाँ पे गो है तो गो का हमें गोइंग फिल करना है। अगला सेंटेंस सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर भी हम पहले वर लिखेंगे डब्ल्यू ई आर ई, कर्ता यहाँ पे यू है, उसके बाद हाइड है तो हाइड का हमें हाइडिंग लिखना है। हाइड का हाइडिंग एच आई डी आई एन जी हाइडिंग, और लास्ट यहाँ पे सी, तो यहाँ पे सी सिंगुलर है, वाज लिखेंगे, पे का पेइंग हो जाएगा, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा जितने भी कॉन्टिन्यूस हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो, सभी में क्रिया की चौथी फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा होता है उसी का यूज किया गया। प्रेजेंट में हम लोगों ने एजेएमआर का यूज किया। सातवां एक्सरसाइज में हमें टिक करना है, प्रत्येक सेंटेंस के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं, तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा, ई का दूसरा, एफ का पहला, जी का तीसरा और एच का दूसरा। जहाँ जहाँ पर भी हमने टिक किया है, टिक करने के बाद दिए गए स्थान पर आप इनको लिखेंगे, जिससे कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।